हाय दोस्तों, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी करारी मटरी, जो एक बार बना करके आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसे हेल्दी वर्जन में बना रही हूँ, इसलिए आटे से बना रही हूँ। आप चाहो तो मैदे से भी बना सकते हो। हमने आधा किलो आटा ले लिया है, एक छोटी चम्मच अजवाइन, एक छोटी चम्मच कलौंजी, दो छोटी चम्मच कसूरी मेथी। तीनों चीजों को अपने हाथों से क्रश करके डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और स्वाद आ जाता है। नमक स्वाद के हिसाब से आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और सभी चीजों को मिक्स करेंगे। मटरी को बहुत ही ज्यादा खस्ता बनाने के लिए हम इसमें मोयन डालेंगे, तो मैं यहाँ पर देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहो तो तेल भी डाल सकती हूँ, मैं 80 ml के करीब डाल रही हूँ, यानी कि 3 से 4 बड़े चम्मच देसी घी है। अपने हाथों से रब करते हुए हम आटे में मोयन को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगी, इससे मटरी बहुत ही खस्ता बनेगी। आप कैसे समझेंगे कि मोयन एकदम परफेक्ट लगा है? जब आप इसकी मुट्ठी बनाएंगे और नीचे गिराएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। इट मीन्स आटे में मोयन एकदम परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बिल्कुल हार्ड आटा लगा करके तैयार करना है, यानी कि सख्त डो लगाना है। जितना हार्ड डो लगाएंगे ना, मटरी उतनी ही ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार होती है। और देखिए कितना सख्त डो लगाया है हमने। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक करके रखेंगे रेस्ट करने के लिए। मटरी को बहुत ही ज़्यादा खस्ता और शेप देने के लिए हम एक सैलरी तैयार करेंगे, यानी कि मिक्सचर। तो मैंने यहाँ पर 1.5 बड़े चम्मच देसी घी लिए हैं और 2 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल इस तरह मिक्सचर हमें तैयार करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 20 मिनट के बाद देखिए आटे के ऊपर हल्का हल्का सा डॉट डॉट सा दिख रहा है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रोटी से बड़े साइज का थोड़ा सा पेरा बनाकर तैयार कर लेंगे। एक पेरा लेकर के हम इसे चिकना कर लेंगे और बाकी को ढक करके रख देंगे ताकि सूखे ना। अब जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बना लीजिए। डो इतना परफेक्ट लगा है कि ना ही तो आपको तेल या सूखे आटे की जरूरत पड़ेगी। रोटी के ऊपर थोड़ा सा मिक्सचर लगाएंगे जो हमने घी और आटे का तैयार किया है, और अपने हाथों से रोल रोल करते हुए थोड़ा सा फैला करके नाइफ की मदद से हम इसके छोटे छोटे पोर्शन काट करके तैयार कर लेंगे। और इसे एक पेरा लेकर के हम इसे अपने हाथों से चपटा करके बेल लेंगे पूरी की तरह, और फिर मिक्सचर लगाएंगे और फिर से हम इसे फोल्ड करेंगे और फिर से मिक्सचर लगाएंगे। त्रिकोण शेप का बना करके तैयार करना है, जैसे आप पराठा बनाते हैं ना त्रिकोण, बिल्कुल वैसे ही बना लेना है। इसी तरह से हम सारी मटरियों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितनी सारी मटरी बन, इतनी सारी मटरी तैयार है। तो इनको फ्राई करते हैं। गैस के ऊपर हमने तेल गर्म होने के लिए रखा है, लो फ्लेम पर। थोड़ा सा आटा डाल करके चेक कर लेंगे, तेल एकदम परफेक्ट गर्म है। आटा हमारा तेल के नीचे जा करके बैठ गया था। अब हम इसमें अपनी मटरी डालेंगे। एक साथ उतनी ही मटरी डालें जितना तेल में आ जाए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ना कि मटरी अपने आप ही तेल के ऊपर आ जाती है। तब हम इसे पलट देंगे। अलटते पलटते हुए लो फ्लेम पर, यानी कि धीमी आंच पर हम अपनी मटरी को फ्राई करेंगे। इससे मटरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारी बन करके तैयार होती है। बाकी बचे मटरियों को भी ऐसे ही हम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। सारी मटरी हमारी बन करके तैयार हो गई है। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी, तब हम इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर करके 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। चलिए मैं इसे आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खस्ता बना है ना, बिल्कुल चूर चूर हो जा रही है मटरी। आप इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, सफर में भी लेकर के जा सकते हैं। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ऑल को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।